नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। मौका था कपिल शर्मा शो का और मेहमान थे राज कुंद्रा, उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी और साली शमिता शेट्टी। शो पर आने वाले सेलिब्रिटीज अपनी जिंदगी से जुड़े किस्से बताते हैं। राज कुंद्रा ने भी एक किस्सा बताया। उनका कहना था कि वो अपनी साली शमिता के साथ पार्टी करते थे। राज के अलावा शमिता शेट्टी ने भी इस बारे में बात की। शमिता का कहना था कि जब राज और शिल्पा की शादी हुई तब मैं खुश थी, लेकिन एक महीने के लिए डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब शिल्पा घर पर होती हैं तो जोर जोर से हंसती हैं। हम शिल्पा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। ये बात सुनते ही राज कुंद्रा कहते हैं तो सिद्धू पाजी को लेकर चले जाओ अपने घर। फिर राज कुंद्रा कहते हैं, शिल्पा से शादी के बाद मेरा बहुत फायदा हुआ। जब मेरी शिल्पा से शादी हुई थी ये बहुत घरेलू थी, 7 बजे खाना खा लेती थी, 9 बजे के बाद बाहर नहीं जाती थी, किताब पढ़कर सो जाती थी। कभी कभी मुझे पार्टी करने का मन होता था तब मैं साली को फ़ोन करता था, डार्लिंग इट्स फ्राइडे नाइट, लेट्स पार्टी। साली ने कभी मना नहीं किया, वो हमेशा कहती थी चलो। जब पार्टी करनी होती है तो मुझे साली की याद आती है, जब किताब पढ़नी होती है, टीवी पर कपिल शर्मा शो देखना होता है तो मैडम के साथ। मेरे पास 2-in-1 है। शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा की दूसरी पत्नी है। कुछ समय पहले राज का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में कहा गया था कि राज ने अपनी पहली पत्नी को प्रेगनेंसी के दौरान ही छोड़ दिया था। राज कुंद्रा ने इस बात पर सफाई पेश करते हुए अपनी एक्स वाइफ कविता पर गंभीर आरोप लगाए थे। राज का कहना था कि मैं इस बारे में बात करते हुए हल्का महसूस कर रहा हूँ। मेरी माँ और मेरी बहन ने मेरे जीजा और मेरी पत्नी को कई बार आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा था। यहाँ 2 परिवार बर्बाद हो रहे थे और उन्होंने जरा भी नहीं सोचा। तलाक के बाद मेरी पत्नी कविता से कभी बात नहीं हुई। तलाक का एग्रीमेंट करोड़ों में हुआ था, जिसके बाद कविता ने मुझे बच्चों से दूर रहने के लिए कहा था। ये किस्से तो राज कुंद्रा के घर परिवार से जुड़े हुए थे। पॉन बनाने और बेचने के आरोपित राज को 23 जुलाई 2021 तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। उनके साथ साथ एक्टर गहना वशिष्ठ को भी इसी मामले के तहत हिरासत में लिया गया था। गहना बीते महीने जमानत पर बाहर आई थी। उनका कहना था कि कानून अपना काम करेगा, हमें मुंबई पुलिस पर पूरा भरोसा है, लेकिन उन्हें पॉन कंटेंट और बोल्ड कंटेंट को मिलाकर नहीं देखना चाहिए। हमारा मानना है कि मुंबई पुलिस दुनिया की सबसे अच्छी फोर्स है। बहुत जल्द अदालत सुनवाई के दौरान फैसला लेगी कि कौन असल आरोपित है और कौन सिर्फ दूसरों के जरिए सिर्फ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। गहना ने 5 महीने जेल में बिताए थे। उनका ये भी कहना है कि सामान्य वीडियोस को पॉर्न की तरह पेश किया जाता है। ऐसे ही सागरिका शोना सुमन नाम की मॉडल ने भी राज कुंद्रा पर कई आरोप लगाए हैं। सागरिका ने वीडियो जारी करते हुए कहा, लॉकडाउन के दौरान मेरे पास कॉल आया था और कॉल पर उमेश कामत जी थे। उन्होंने मुझे एक वेब सीरीज के लिए ऑफर दिया था, राज कुंद्रा जिसके प्रोड्यूसर और मालिक थे। मैंने पूछा राज कुंद्रा कौन, तब उन्होंने बताया कि शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड। फिर कामत जी ने ऑडिशन के लिए कहा, मैंने बोला कि कोविड का वक्त है, आप ऑडिशन कैसे ले सकते हैं। फिर उन्होंने कोई बात नहीं की और वीडियो कॉल पर ऑडिशन दे दीजिए और आपको न्यूड ऑडिशन देना होगा, ये बात कही। मैंने ये सुनते ही साफ मना कर दिया। वीडियो कॉल में कुल 3 लोग थे जिसमें से एक चेहरा रिवील नहीं हो रहा था। मुझे लगता है वो राज कुंद्रा थे। राज कुंद्रा का अगला किस्सा पूनम पांडे से जुड़ा हुआ है। पूनम पांडे ने आरोप लगाया कि राज ने कई सालों पहले उनका पर्सनल नंबर लीक कर दिया था। इसके बाद उनके पास अश्लील और भद्दे मैसेज आने लगे। लोगों ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत दिक्कत हुई थी। पूनम का ये भी कहना था कि राज वीडियोस गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जबकि उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं है। हालांकि पूनम पांडे ने राज के परिवार के लिए चिंता भी जाहिर की है। उन्होंने कहा, मैं शिल्पा शेट्टी और उनके बच्चों के लिए दुखी हूँ, इसीलिए मैं इस मौके का इस्तेमाल अपना ट्रॉमा हाईलाइट करने के लिए नहीं करूँगी। बस इतना कहूंगी कि 2019 में राज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट में चोरी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। मामला कोर्ट में है और मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। पोर्नोग्राफिक कंटेंट को लेकर सलाखों के पीछे गए राज कुंद्रा चर्चा में बने हुए हैं। न्यायालय ने उन्हें 23 जुलाई तक की हिरासत में भेजा है। देखते हैं पेशे से बिजनेसमैन राज कुंद्रा को सजा होती है या नहीं। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इससे पहले बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप किसी भी बड़ी खबर से बेखबर ना रहें।